बीजेपी कार्यकर्ता सना खान बीते 1 अगस्त से लापता हुई थी। आपको बता दें कि सना जबलपुर गई थी और संदेहास्पद ढंग से लापता हुई थी। आखिरकार आज यह गुत्थी पप्पू साहू के हत्या के जुर्म कबूलने से सुलझ चुकी है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी जबलपुर निवासी अमित उर्फ पप्पू साहू को जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, नागपुर की भाजपा कार्यकर्ता सना खान जबलपुर गई थी और अचानक खबर आई कि सना वहां से लापता हुई है, जिसके बाद पुलिस सना के खोज में जुटी थी। इस दौरान नागपुर पुलिस जांच के लिए जबलपुर पहुंची। इस समय पप्पू साहू से पूछताछ में सना की हत्या करने की बात कबूली है। हालांकि इस मामले में पुलिस सीमा विवाद के चक्कर में भी फंसी और नागपुर पुलिस और जबलपुर पुलिस का ढुलमुल रवैया भी देखने को मिला। परंतु मामले के तुल पकड़ने के चलते एक दिन पहले ही नागपुर के मानकापुर पुलिस थाने में अपहरण का मामला दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच के साथ ही मानकापुर पुलिस की टीम आरोपी अमित उर्फ पप्पू साहू की तलाश में जबलपुर पहुंची। तलाश के बाद पुलिस को यश भी मिला। शुक्रवार सुबह पप्पू साहू को पुलिस ने ढूंढकर हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उसने सना खान की हत्या करने की बात कबूली है। नागपुर पुलिस जबलपुर पुलिस के साथ मिलकर अब सना के शव की तलाश कर रही है। पूछताछ में पप्पू साहू ने इस हत्या के मामले में अपने एक और साथी का नाम भी बताया है, जिसकी भी तलाश जारी है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह तक आरोपी को नागपुर लाया जाएगा। इसमें आपने कल ऑफेंस रजिस्टर कर दिया, मिसिंग के उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें कुछ हमको इनपुट्स मिल गए थे, लेकिन जबलपुर पुलिस थोड़ा सा ये कर रहे थे, हेल्प करने के लिए थोड़ा तालमटाल चल रही थी उनकी, इसलिए सब हमने इनपुट्स लेके क्या हो गया कैसे हो गया उसके ऊपर कल रात ऑफेंस रजिस्टर दाखिल किया। उसके बाद हमने हमारी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर गई और उसके बाद वहाँ जो एक्यूज है अमित शाहू करके, उसको भी हमने ताबे में ले लिया है। उसको जो एक साथीदार उसने हेल्प की उसमें, तो वो भी ताबे में ले लिया है, और जो और एक साथीदार है तो उसका ये शोध शुरू है। जो एक्यूज है उन्होंने तो कहा, पुष्टि दे दिए कि उनकी बॉडी हिरन नदी में डाल दिए करके। ये किस कारण वो हो गई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है उस बारे में, लेकिन ये घटना 2 तारीख के सुबह 11-12 बजे तक हो गई है और बॉडी रात को उन्होंने हिरन नदी में डाल दी है। जो मेन एक्यूज है अमित शाहू के, उसके ढाबे पे जो नौकर था उन्होंने कुछ हेल्प की है, और एक एक्यूज है वो मिलने के बाकी है, वो भी मिल जाएगा। 3 लोग है प्राइमरी इसमें, और कुछ लोगों ने हेल्प किए कि इसके इन्वेस्टिगेशन चालू है। नहीं, प्राइमरी मिसिंग हमारे यहाँ दाखिल थी और जबलपुर पुलिस का यही था कि आपकी केस है तो आप देखो, लेकिन हमने इनिशिएटिव लेके ये केस हैंडल की और उसमें हमको एज भी मिला है। इसमें आपने कल ऑफिस रजिस्टर कर दिया मिसिंग के, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें कुछ हमको इनपुट्स मिल गए थे, लेकिन जबलपुर पुलिस थोड़ा सा ये कर रहे थे हेल्प करने के लिए, थोड़ा तालमटाल चल रहे थे उनकी, इसलिए सब हमने इनपुट्स लेके क्या हो गया कैसे हो गया उसके ऊपर कल रात ऑफेंस रजिस्टर दाखिल किया। उसके बाद हमने हमारी टीम और क्राइम ब्रांच की टीम जबलपुर गई, और उसके बाद वहाँ जो एक्यूज है अमित शाहू करके, उसको भी हमने ताबे में ले लिया है। उसको जो एक साथीदार उसने हेल्प की उसमें, तो वो भी ताबे में ले लिया है, और जो और एक साथीदार है तो उसका ये शोध शुरू है। जो एक्यूज है उन्होंने तो कहा, पुष्टि दे दी है कि उनकी बॉडी हिरन नदी में डाल दिए है। किस कारण वो हो गई है अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है उस बारे में, लेकिन ये घटना 2 तारीख के सुबह 11-12 बजे तक हो गई है और बॉडी रात को उन्होंने हिरन नदी में डाल दी। कल सुबह तक नागपुर आरोपी ले जाएंगे और कल अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया। जो मेन एक्यूज है अमित शाहू के, उसके ढाबे पे जो नौकर था उन्होंने कुछ हेल्प की है, और एक एक्यूज है वो मिलने के बाकी है, वो भी मिल जाएगा। 3 लोग है प्राइमरी इसमें, और कुछ लोगों ने हेल्प की कि इसके इन्वेस्टिगेशन चालू। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।